साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और जो बच्चे न्यूमेंशियल दिए थे उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उनको जाकर अपना बनवा लेना है अंचल में और ब्लॉक में, जहां भी जाए दोनों अंचल में जाकर बनवा ले, ब्लॉक छोड़े जाइएगा, आपको वहां मालूम कर देगा कि हाँ ब्लॉक में जाकर बनवाना है कि कहाँ बैठ रहे हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जिला में जाएंगे, कुछ जिला में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाएंगे। क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, इस बात को समझे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है बीएसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड, उसको आप लेकर जाइएगा। सबसे पहले बात बता दें कि जो अभ्यर्थी के पास यदि उस समय का आय है तो लेकर जाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी का आय रख लेंगे। कहीं मांग दिया जाए कि आप अपना आय वर्तमान दिखाइए तो उस अनुसार से कहीं आकलन किया जाता है, इसलिए ले लेंगे। दो चार फोटो जरूर ले लेंगे, और जब भी फोटो लेंगे साफ सुथरी फोटो लेंगे, वर्तमान समय का भी फोटो आप ले सकते हैं। तीसरी बात, आप क्या करेंगे, आधार कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड ले लेंगे, और आय जाति निवास अगर है तो वो रख लेंगे, नया है तो भी रख लेंगे, पुराना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि आपके लिए जरूरी है। उसके बाद बता दें, आधार पर बीएसएससी का एडमिट कार्ड आप ले लेंगे। बीएसएससी से जुड़े जितने भी एडमिट कार्ड है, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ले लेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे, फॉर्म 10 और फॉर्म 11 जो है उसे आप जीरोक्स निकलवा लेंगे, और आप अपने जिला में जाइएगा। मान लीजिए आप अरवल जिला के हैं तो अरवल में जाइएगा, आप बांका जिला के हैं तो बांका में जाइएगा, पटना जिला के हैं तो पटना में जाइएगा, चंपारण के हैं तो चंपारण, जिस जिला के हैं उस जिला में जाकर आपका जो लिस्ट होगा, जो लिस्ट में एग्जाम टूर, देखिए अगर नहीं मिल रहा है तो आप एग्जाम टूर सर्च मारिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और तो आपको क्या करना है, आप अपने जिला में जाना है और ऊपर जो लिस्ट दिया है जिस पेज में आपका रोल नंबर होगा उस पेज को भी आप निकलवा लेंगे और साथ में लेकर जाएंगे। यदि आपसे वो हम डिमांड करते हैं कि दिखाइए क्या है, बहुत देखिए सबको सूचना आ गया है, किसी के पास सूचना नहीं भी पहुंचा होगा या वो कैसे करें क्या करें तो आप दिखाएंगे। यदि मान लीजिए वो बोलते हैं कि नहीं, आपके जो राजस्व कर्मचारी है वो आपके घर जाएंगे देखेंगे, यदि आए नहीं है तो जाएंगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके साथ चले जाइएगा, या वो रहते हैं तो अगला दिन जाके आपको देख लेंगे, वेरीफाई कर देंगे। तो इन सारे चीज से आपको ले जाना है। यदि फोटो ले लेना है, फोटो तो सबके पास होगा, जाति सबके पास होगा, निवास होना चाहिए, है निवास पुराना भी चलता है, इस बात को ध्यान देंगे, अस्थाई के लिए वो देखेंगे। उसके बाद आधार कार्ड सबके पास होगा, बीएसएससी एडमिट कार्ड हो है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई जरूर नहीं है। अब रहा आय के लिए, तो आय मान लीजिए आय जिनके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो पुराना भी लेकर जाएंगे, नया भी लेकर जाएंगे, दिखाएंगे। यदि वो बोलते हैं कि नहीं, हम एक अधिकारी को भेजेंगे, अधिकारी कौन, वही आपका कर्मचारी चयन आयोग वाला, जाएंगे तो आपको देख लेंगे, यदि घर जाते हैं तो बता दीजिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे, वो बन जाएगा। नहीं है फिर भी टेंशन नहीं लेना है, अगर है तो अच्छी बात है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है, सबका बनेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो बोल रहे हैं कि हम जिला में जाएंगे तो आप जाकर पता कर सकते हैं, जा सकते हैं, समय है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका बनेगा अंचल से ही या ब्लॉक से ही, आप अंचल में जाइए वो बता देंगे कि जाके आप मिल लीजिए, यहाँ बन रहा है। ये मतलब हर जिला में जो बड़ा बड़ा जिला है वहां ज्यादा संख्या है, बाकी जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पे कम संख्या है, तो इसलिए आप इतना लेकर जाएंगे, फोटो ले लेंगे। यदि आप नहीं लेते हैं, मान लीजिए छूट गया, तो आपको फिर आना जाना पड़ जाएगा, तो सब कुछ लेकर जाएंगे, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। मान लीजिए कोई देख सकता है, जब तक आपको नौकरी नहीं लगा है, थोड़ा मैट्रिक का दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखा, दिखा हो जाएगा, देख लेंगे तो सब कुछ लेकर जाएंगे। देखने के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी मांग सकते हैं, उनको जो लेना है ले सकते हैं। अगर हो सके तो आपके पापा अगर साथ में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे, आपका बन जाएगा, सबका बन जाएगा, क्योंकि सरकार का ये आदेश है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म 10 फॉर्म 11 ले लेंगे, और जो सूचना निकाला गया है उस सूचना का फर्स्ट कॉपी जो है, जो आदेश है सामान्य प्रशासन विभाग का, उसको भी लेकर जाएंगे और उनको दिखाएंगे, वो समझ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। इसके बावजूद भी यदि किसी समस्या हो किसी प्रकार का, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा।